खुर्रम साहब, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ जी, और उसी सवाल से दोबारा आगाज़ करना चाहूँगा कि हमारे सामने जो मुदाखलत का रास्ता है और उसके शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन उस रास्ते को बंद करने के लिए कोई प्रोग्राम, कोई मनसूबा, कोई हिकमत अमली वो मौजूद नहीं है। हिम्मत भी नहीं है शायद सियासी लोगों में, वो जो ताकत चाहिए, जो एक खड़े होकर मुकाबला करने की सलाहियत चाहिए कि ये रास्ता दुरुस्त है, ये आइनी रास्ता है, ये गैर आइनी रास्ता है, वो भी मौजूद नहीं है। तो क्या करना चाहिए? जी मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून की 2013 की जो हुकूमत थी मियां नवाज शरीफ की क्यादत में, उसने ये आगाज किया था, अगर आपको याद हो, कि एक साबिक फौजी आमिल मरहूम परवेज मुशर्रफ को अदालत में लेकर आए थे, लेकिन फिर उसके जो नतायज हैं वो आपने एक से ज्यादा दफा इसी प्रोग्राम में बताए हैं कि किस तरह पहले इस्लामाबाद में धरना हुआ, फिर एक दफा फिर धरना हुआ, फिर फैजाबाद धरना हुआ, और हमें उसके नतायज भुगतने पड़े। तो अभी जो अगली पार्लियामान पाकिस्तान की अवाम मुंतखब करेंगे, उनके सामने ये रास्ता होगा कि बजाय ये कि हम कहें कि जी हमने इन लोगों को जरूर अदालत की सजा देनी है, इसका कोई दूसरा मैकेनिज्म, चाहे ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का नाम दे दें, किसी भी चीज का नाम दे दें, लेकिन सबको ये इस यानी इम्यूनिटी वाली शर्त के जरिए बुलाकर फिर जो है उसी को इम्यूनिटी मिलेगी जो सच बोलेगा। तो उसको आकर कहा जाए कि लोग अपना जो है वो जब बेनकाब होंगे और अपने जो भी उन्होंने काम किए हैं उसको आकर कौम के सामने बताएंगे, तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये अब 76 सालों में ये जो एक उतार चढ़ाव है जमहूरियत का और अमरीयत खुर्रम का, और साहब, बीच आप में किसी फॉर्मर एक इमरानी आर्मी चीफ को फासिज्म का भी सजा हमें देने की सामना करना पोजीशन में पड़ा। नहीं है, क्योंकि जितनी मॉरल हाई ग्राउंड एक पॉलिटिशियन में चाहिए हो, वो हमारे ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स लैक करते हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है, बहरहाल लैक करते हैं। अभी नहीं आपने देखिए, आने से मॉरल हाई पहले नवाज शरीफ का ग्राउंड, बयानिया सुना था मॉरल हाई लंदन के ग्राउंड अंदर, भी उन्होंने एक बयान दिया था एक इंटरव्यू के अंदर, और फिर वो दूसरे रोज़ ही शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद उन्होंने दोबारा उस बयानिए को नहीं दोहराया। तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी नहीं, फॉर्मर आर्मी मॉरल चीफ हाई के ग्राउंड से ज्यादा नहीं, देखिए अकाउंटेबिलिटी मॉरल का हाई ग्राउंड से ज्यादा प्रोसेस आपके पास मौजूद है। यही एक जी वो आप की राय है इस मामले में, लेकिन जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का जो आइडिया है वो आपको मालूम है 1994 में साउथ अफ्रीका में लिया गया था, जहां वहां की जो स्याह-फाम आबादी के ऊपर बहुत जुल्म ढाए थे उस वक्त की सफेद फाम हुकूमतों ने। तो एक उनके सामने ऑप्शन ये था जो आज हमारे सामने, कि हम कहें जी हम सबको सजा देंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए ही ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का रास्ता अपनाया गया। जरूरी नहीं है कि हम यही रास्ता अपनाए, पार्लियामान अपनी इज्तमाही दानिश में सेनेट भी और कौमी असेंबली भी ये फैसला कोई और कर सकते हैं, लेकिन हमें बहरहाल जो तजर्बा 2013 के बाद से हुआ उससे सीखते हुए इस बार ये बात तो जरूरी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि रेकनिंग होनी है, कोई हिसाब और शुमार हमें करना होगा गैर आईनी जो अमल किए जाते हैं उसका हिसाब और शुमार करने का जो तरीका है वो उस पर अब यहाँ सेनेटर साहब भी मौजूद है, बहुत बड़े कानूनदान है, वो हमें बता सकते हैं क्या कानून में किस किस्म का नया कानून लाकर या वो राय की जाए कि हकीकत का सामने आए, जो जिम्मेदार है वो सामने आए, और फिर जब वो सामने आएंगे फिर जो हमारा एक यकीन है हम सबका जमहूरियतों में कि जब सच सामने आता है तो वो फिर आने वाली नस्लों को आजाद करता है। बगैर टकराव वाला रास्ता होना चाहिए। ये यहाँ मैं आप सारों से कहूँगा कि वो रास्ता ना लीजिएगा जिससे हमने जनरल मुशर्रफ वाले केस में जो सबक सीखा है। बगैर टकराव वाला रास्ता होना चाहिए।